नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MyTune Audio में। दोस्तों, आज की वीडियो हम 5.1 एम्पलीफायर के ऊपर बनाने वाले हैं। ये आप जैसा सामने देख रहे हैं, ये 5.1 का कंप्लीट डॉल्बे डिजिटल सराउंडिंग एम्पलीफायर है जो कि मैंने तैयार किया हुआ है। दोस्तों, ये भी मैंने एक ऑर्डर पे ही बनाया है, जिनका नाम है कुंवर चंद्र जायसवाल जी, जो कि बाराबंकी के रहने वाले हैं, यूपी में ही आता है। तो दोस्तों, इस एम्पलीफायर में हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, कौन सी आईसी लगाई है, कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल बाय डिटेल दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं एम्पलीफायर ओपन करके और डिटेल बाय डिटेल आपको सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सेट ओपन कर लिया दोस्तों ये जो आप हमारा देख रहे हैं 5 चैनल बोर्ड है, 5 आईसियाँ लगी हुई हैं, TDA 2050 की 5 आईसियाँ लगी हैं, जो कि हमारा 5 चैनल लेफ्ट राइट सेंटर और 2 सराउंड के स्पीकर के लिए है। सबवूफर के लिए हमने दोस्तों 100 वाट का तोशिबा 2SC5200 का बोर्ड लगाया हुआ है, जो कि 100 वाट का आउटपुट देगा। दोस्तों, इसमें आप 8 इंच से लेकर 10 इंच तक का सबवूफर बहुत अच्छे से चला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको मिलेगी। दोस्तों, ये है 5.1 डिकोडर हमारा बोर्ड, जिसे 5.1 प्रो लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। ये हमारे ब्लूटूथ कार्ड से 2.0 ऑडियो लेकर हमें 5.1 ऑडियो कन्वर्ट करके देता है, क्योंकि दोस्तों ब्लूटूथ कार्ड जो है हमारा वो 5.1 ऑडियो का नहीं आता है, कोई भी ब्लूटूथ कार्ड ऐसा नहीं होता है, सभी ब्लूटूथ कार्ड 2.0 होते हैं। दोस्तों, हमने इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है वो डबल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है। फर्स्ट वाइंडिंग है दोस्तों 18018, जो कि हमारे इस बोर्ड के लिए है। सेकेंड वाइंडिंग है हमारी दोस्तों 30030 की, जो कि हमारा ये 5200 वाला बोर्ड है, इसके लिए हमने यूज़ की हुई है। ये हमने 12012 का ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे फैन की सप्लाई बनाने के लिए और ब्लूटूथ कार्ड को सप्लाई देने के लिए। आप देख पा रहे हैं स्पीकर आउटपुट के लिए 4 कनेक्टर लगे हुए हैं, सभी कनेक्टर में डबल डबल आउटपुट है दोस्तों, और 2 फैन लगे हुए हैं 12 वोल्ट DC के। दोस्तों, ये फैन हमारा हीट सिंक को कूल करने के लिए है और सेकेंड फैन हमारा हॉट एयर बाहर निकालने के लिए है। दोस्तों, वायरिंग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, सभी वायर्स बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किए गए हैं और बढ़िया कॉपर की क्वालिटी में यूज़ किए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। डबल RCA सॉकेट इनपुट है, फर्स्ट RCA सॉकेट जो ये ऊपर वाला देख रहे हैं ये 5.1 इनपुट के लिए है। आप दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर से इनपुट देना चाहते हैं 5.1 का तो आप इसमें दे सकते हैं, या फिर DVD से इनपुट देना चाहते हैं 5.1 का तो आप इसमें दे सकते हैं। दोस्तों, जो सेकंड वाला हमारा RCA सॉकेट है 6 पिन का, इसमें आप ऑक्स इनपुट दे सकते हैं, आप अपने मोबाइल से ऑक्स लीड लगाकर इनपुट दे सकते हैं, सेटअप बॉक्स से दे सकते हैं, TV आउटपुट से दे सकते हैं, DVD अगर 2.0 है उससे भी दे सकते हैं सर। 2.0 की कोई भी ऑडियो आप इसमें इनपुट दे सकते हैं और ये आपको 5.1 डॉल्बे डिजिटल साउंड प्योर क्वालिटी आपको देगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है दोस्तों इसकी। दोस्तों, आते हैं इसके फ्रंट लुक पे। दोस्तों, इसमें हम 5 स्पीकर जोड़ेंगे, 5 चैनल है दोस्तों, ये 5.1 कहलाता है, 0.1 जो होता है हमारा सबवूफर होता है, 5 चैनल हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर सबवूफर एंड सराउंड के 2 स्पीकर होते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसमें हर चैनल को कंट्रोल करने के लिए एक वॉल्यूम दिया गया हुआ है। दोस्तों, हमारा जो फ्रंट स्पीकर है लेफ्ट राइट का, उसका बास और ट्रबल एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हमने वॉल्यूम लगाया हुआ है, इससे आप ट्रबल एडजस्ट कर सकते हैं और बास एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कितना बेस चाहिए, कितना आपको हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा सराउंड के लिए है, रियर जिसे कहते हैं, आप इससे अपने सराउंड के जो स्पीकर हैं उनकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा सेंटर स्पीकर का वॉल्यूम है। दोस्तों, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है, आप इससे जितनी ऑडियो रखेंगे उसी ऑडियो पे ये सारे वर्क करेंगे। और ये हमारा मेन पावर ऑन ऑफ
और ये हमारी पावर लाइट। दोस्तों ये है इसका बैक लुक। बैक लुक में दोस्तों हमें क्या क्या मिलता है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है 5.1। ये जो हमारा RCA सॉकेट है ये 5.1 इनपुट के लिए है। दोस्तों इस RCA सॉकेट में आप अपने कंप्यूटर का इनपुट इसमें दे सकते हैं, कंप्यूटर से हमें 5.1 का आउटपुट मिलता है। और आप अगर आपके पास DVD है 5.1 का तो आप वो भी इनपुट यहाँ दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 2.1 इनपुट, आप यहाँ पर अपने ऑक्स का इनपुट दे सकते हैं, आप अपने मोबाइल से इनपुट दे सकते हैं, अपने TV से दे सकते हैं, अपने DVD का 2.0 का इनपुट यहाँ से दे सकते हैं। दोस्तों दो फैन लगे हुए हैं विद सेफ्टी पर्पस, जालिस भी लगी हुई है। और यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है FR FL, ये फ्रंट के दो स्पीकर है दोस्तों, फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट। इसके नीचे आते हैं दोस्तों लिखा हुआ है SR SL, ये दोस्तों हमारे दो स्पीकर का आउटपुट है, सराउंड के स्पीकर हैं, सराउंड लेफ्ट सराउंड राइट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है सब एंड सेंटर। सेंटर में हमारा दोस्तों यहाँ सेंटर का स्पीकर लगेगा और ये हमारा सब बुफर का स्पीकर लगेगा। दोस्तों इस पोर्ट पे हमने कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ये 7.2 जब बनाया जाता है उसके लिए होता है। दोस्तों आपको सिर्फ 3 जो ये हमारे स्पीकर कनेक्टर हैं इनमें ऑडियो मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट चैनल FL FR SL एंड SR, ये 4 स्पीकर हो गए दोस्तों। सेंटर हमारा 5वां स्पीकर और सब बुफर है ये हमारा जो 0.1 कहलाता है, ये हमारा सब बुफर का आउटपुट हो गया। दोस्तों यहाँ पे हमने इसमें फ्यूज़ दिया हुआ है, 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है। ये हमारी मेन लीड है, मेन सप्लाई केबल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी मैं इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ और सेट ऑन करके दिखाता हूँ। तो सेट ऑन कर लिया है मैंने, इस पर मैं आपको 2 स्पीकर चला के दिखाता हूँ, और क्योंकि मैं 5 स्पीकर एक साथ चला के नहीं दिखा पाऊँगा तो मैं अलग अलग चैनल पे स्पीकर लगा के टेस्टिंग करके आपको दिखा दूँगा। दोस्तों ये सबवूफर मैंने जोड़ा हुआ है, ये 10 इंच का सबवूफर है दोस्तों, डबल वॉइस कॉइल का 200 वाट का सबवूफर है। और ये स्पीकर मैं आपको टेस्टिंग पे दिखाने वाला हूँ, इसमें 3 इंच के 4 स्पीकर और एक ट्विटर हमने यूज़ किया हुआ है। दोस्तों मैंने सबवूफर की वायर जोड़ दी है, ये हमारा सबवूफर का आउटपुट है, इसमें मैंने जोड़ दी है। और ये हमारा जो फ्रंट स्पीकर होता है उसका लेफ्ट चैनल है, मैंने इस पर लगा दी है। और अभी मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ पर कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट का वॉल्यूम है वो 0 है। दोस्तों सबवूफर का वॉल्यूम मैं बढ़ाता हूँ, जो हमने अपना सबवूफर लगाया हुआ है इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ।
दोस्तों इसकी वायर हम दूसरे चैनल पे लगा लेते हैं। दोस्तों राइट स्पीकर की वायर मैंने लगाई हुई है, अभी देखिए लेफ्ट और राइट पे दोस्तों में सेम क्वालिटी मिलेगी। दोस्तों अभी मैं ये स्पीकर को सराउंड आउटपुट पे चेक करता हूँ, इस पे आपको क्या क्वालिटी मिलती है साउंड की। दोस्तों सराउंड की वायर मैंने लगा दी है, नीचे वाला कनेक्टर आप देख रहे हैं वो सराउंड के लिए है, मैंने उस पे लगा दी है। अभी ऑडियो देखिएगा क्या क्वालिटी मिलती है। दोस्तों अभी मैं सेंटर आउटपुट जो हमारा होता है, सेंटर के लिए जो स्पीकर जोड़ा जाता है, उस पर मैं आपको ऑडियो चेक कराता हूँ। दोस्तों सराउंड के भी दो चैनल होते हैं, मैंने एक पे आपको चेक करके दिखाया, दोनों पे ही आपको सेम क्वालिटी मिलेगी। और अभी ये वायर मैंने सेंटर पे लगा दी है, ये हमारा सेंटर आउटपुट है, इस पर लगा दिए। अभी इस पर क्वालिटी देखिएगा आप। दोस्तों ये सेंटर का वॉल्यूम है, मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। दोस्तों आपने देखा कितनी बढ़िया साउंड क्वालिटी है। दोस्तों जब इसमें हम पांचों स्पीकर यूज़ करेंगे, जो हमारा लेफ्ट राइट सेंटर और सराउंड के दो स्पीकर, जब ये पांचों स्पीकर हम लगाते हैं और एक जब बेस लगाते हैं 8 से 10 इंच का, तभी हमें प्योर क्वालिटी समझ में आएगी और हमें बहुत ही बढ़िया साउंड आउटपुट मिलने वाला है, जो कि आप अपने टीवी या सेटअप बॉक्स से या किसी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आप मूवी या कुछ ऐसा देखते हैं तो उसमें जो साउंड इफ़ेक्ट होते हैं, इस एम्पलीफायर में दोस्तों बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट मिलेगा, उसमें आपको ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि हर चैनल अलग अलग ऑडियो के लिए डिवाइड होता है इसमें। दोस्तों जो हमारा सेंटर का वॉल्यूम होता है, इसमें हमें वोकल ज़्यादा मिलती है, जो नॉर्मली जैसे कि आपस में बात करते हैं तो वोकल ज़्यादा होती है, इसमें म्यूज़िक कम होती है। सबवूफर में दोस्तों हमारा ओनली लो फ्रिक्वेंसी होती है, ओनली बेस, बाकी कुछ भी नहीं होता है। मैं अभी आपको लेके सेंटर बंद करके ओनली बेस सुनाता हूँ। दोस्तों आपने देखा सबवूफर पे हमें सिर्फ बेस मिलता है, लो फ्रिक्वेंसी, ना तो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, ना ही कोई मिड फ्रिक्वेंसी होती है, ना ही कोई वोकल होती है, ओनली लो फ्रिक्वेंसी होती है। इसीलिए दोस्तों हर फ्रिक्वेंसी इसमें डिवाइडेड होती है। लो फ्रिक्वेंसी के लिए हमारा सबवूफर होता है, वोकल के लिए हमारा सेंटर होता है जिसमें वोकल ज़्यादा मिलती है। दोस्तों रियर जो लिखा हुआ है ये सराउंडिंग के लिए होता है। दोस्तों इसमें आवाज़ हमारी जो है थोड़ा सा सराउंड में हो जाती है,
जैसे कि हॉल टाइप में होती है ना, गूंजने लगती है आवाज़, उस टाइप की आवाज़ हमें मिलती है इस पर। ये हमारे दो चैनल होते हैं दोस्तों, दो स्पीकर लगते हैं दोस्तों। फ्रंट जो चैनल होता है हमारा दोस्तों, ये हमारा ओरिजिनल ऑडियो होता है। जो भी इनपुट हम इसमें देते हैं, आप 2.0 का इनपुट देंगे, जैसे कि ऑक्स से आपने इसमें इनपुट दिया, तो जो आपने इनपुट दिया है वो एक्चुअल ऑडियो हमें फ्रंट से मिलेगी और बाकी से कन्वर्ट होके मिलती है। ये रियर हमारा सराउंड में हो जाता है, सेंटर हमारा वोकल ज़्यादा हो जाता है, और सबवूफर के लिए दोस्तों ये ओनली बेस में कन्वर्ट हो जाता है, लो फ्रिक्वेंसी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा फ्रंट होता है, इसके लिए ही ये बेस और ट्रेबल हमारे लगे होते हैं। आप फ्रंट के स्पीकर का बेस और ट्रेबल एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका DVD 5.1 है, या फिर आपने अपने CPU से या लैपटॉप से 5.1 का इनपुट इसमें दिया है, तो आपको ये सेलेक्टर जो है वो पुश करना है। आप जैसे इसमें पुश करेंगे, और पीछे हमारा जो 6-pin RCA सॉकेट है, यहाँ पे आप इनपुट देंगे, तो वो जो आपका सिस्टम का ऑडियो है वो ऑडियो इसमें डायरेक्टली आ जाएगा। आपको ये जो हमारा डिकोडर है, उस डिकोडर से कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका डायरेक्टली ऑडियो आउट होगा और सभी चैनल को मिलेगा। तो जो भी सिस्टम से आउटपुट हो रहा होगा दोस्तों, वो ये हमारा एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके उस ऑडियो को स्पीकर्स में कन्वर्ट करता है दोस्तों। ये हमारा 3 सिलेक्टर लगा हुआ है, फर्स्ट हमारा USB के लिए, सेकंड हमारा 2.0 ऑक्स इनपुट के लिए दोस्तों, थर्ड सिलेक्टर सराउंड ऑन ऑफ करने के लिए है। अगर आपको सराउंड नहीं सुन रहा है, आपको नॉर्मली 4 चैनल चलाने हैं, जैसे कि आप फ्रंट के 2 स्पीकर, सेंटर और सबवूफर ओनली चलाना चाहते हैं, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से बंद हो जाएगा और आप चालू भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 5.1 जैसा एम्पलीफायर मैंने आपको दिखाया है, अगर आप इस टाइप का एम्पलीफायर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं, अगर किसी भी भाई को चाहिए हो तो आप अपने लिए बनवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वही है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा, 8924883176। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं कृष्णा आप सभी से अलविदा लेता हूँ, नमस्कार दोस्तों।